Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, आप देख रहे हैं SPNI न्यूज, मैं काशिफ अली। कर्नाटका विधानसभा चुनाव की आज हम बात करेंगे। कर्नाटका में जिस तरीके से जब जब चुनाव आ रहे हैं, जैसे जैसे वैसे वैसे राहुल गांधी और वर्सेस पीएम मोदी होता जा रहा है। और वहीं अगर हम बात करें बीजेपी के सीएम उम्मीदवार येदुरप्पा ने राहुल गांधी को लेकर एक कटाक्ष किया है, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे ये खास रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा और कांग्रेस में आर पार की ठनी है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं चूक रही हैं। खबरों के मुताबिक कर्नाटक में भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदुरप्पा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का मजाक उड़ाया है। बीएस येदुरप्पा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बच्चा कहकर क्या कह दिया, उसके बाद तो राजनीति ने रंग ही बदल लिया। येदुरप्पा ने कर्नाटक में उस बच्चे यानी राहुल गांधी को लाया गया। उनका कहना है कि जब राहुल गांधी को कर्नाटक में लाया गया, हम जानते हैं कि हम 150 से ज्यादा सीटों पर जीतेंगे। येदुरप्पा ने राहुल गांधी का मजाक अपने एक चुनावी कैंपेन में उड़ाया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव इसी साल अप्रैल और मई में होने हैं। इस दौरान राज्य की 224 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 30 मई 2018 को खत्म हो रहा है। बीएस येदुरप्पा पूर्व में भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में वो कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष और सीएम उम्मीदवार हैं। आपको बता दें, इससे पहले पिछले दिनों राज्य में बीजेपी की परिवर्तन रैली के समापन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएस येदुरप्पा को किसान का बेटा बताया था। पीएम ने कहा था कि उनकी सरकार में किसानों के हित प्राथमिकता में है, इसलिए उससे अच्छा क्या हो सकता है, एक किसान का बेटा राज्य का मुख्यमंत्री बने। पीएम मोदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार और मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर जमकर निशाना साधा था। प्रधानमंत्री की रैली से पहले डिग्री गाउन पहने कुछ युवकों रैली मैदान से पहले पकौड़े बेचकर उस बात का विरोध दर्ज भी कराया गया था, जिसमें टीवी साक्षात्कार के दौरान पीएम ने कहा था कि अगर स्टूडियो के बाहर कोई शख्स पकौड़े बेचकर शाम को 300 रुपए कमाकर घर ले जाता है तो क्या उसे रोजगार नहीं मिल जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों की सूचना मिलते ही पुलिस ने उन्हें खदेड़ भी दिया था। फिलहाल कर्नाटक के एक सीएम सिद्धरमैया और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बीच भी ट्विटर पर जबरदस्त जंग चल रही है। एक रैली के दौरान अमित शाह ने सिद्धरमैया को भ्रष्टाचार का पर्याय बताया था। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार का मतलब सिद्धरमैया और सिद्धरमैया का मतलब भ्रष्टाचार हो गया है। इस पर सिद्धरमैया ने पलटवार करते हुए अमित शाह और बी एस येदुरप्पा को जेल जाने के दिनों को याद दिला दी थी। जी हाँ, राहुल गांधी को आपने सुना कि उन्होंने कहा है कि बच्चे हैं, राहुल गांधी जीतेंगे 150 से ज्यादा सीटें, ये दावा कर रहे हैं बीजेपी के सीएम उम्मीदवार येदुरप्पा। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि असल में मामला क्या था। कर्नाटक में जाहिर सी बात है कि इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने हैं और दोनों ही पार्टी के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कर्नाटक में पकड़ मजबूत है। हालांकि कर्नाटक में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। वहीं बीजेपी से सीएम कैंडिडेट येदुरप्पा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात राहुल गांधी को कही कि वो बच्चा तक कह डाला। बीएस येदुरप्पा ने एक कहा कि यही बच्चा है, अब हमें आगामी चुनाव में 150 से अधिक सीटें जीतने में मदद करेगा। वहीं मैं आपको बता देता हूं कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने येदुरप्पा को सीएम कैंडिडेट का उम्मीदवार घोषित किया है। इससे पहले भी कर्नाटक में भाजपा बीएस येदुरप्पा राहुल गांधी पर हमला बोल चुके हैं। सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर अगर राहुल गांधी बच्चे हैं तो बच्चे ने कैसे गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में और अमित शाह और मोदी के गढ़ में 99 सीटों पर समेट के रख दिया। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। बहरहाल अगर ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में जिस तरीके से ये जो हम कह सकते हैं जो जबानी तीर चल रहे हैं वो कितने कारगर साबित होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल चिकन खाने के बाद मंदिर के दर्शन करते हैं। राहुल गांधी चुनाव से पहले राज्य के दौरे पर गए थे। येदुरप्पा ने कन्नड़ में एक ट्वीट करते हुए कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री सिद्धरमैया हैं जो मछली खाने के बाद धर्मस्थल मंजूनाथ के दर्शन करते हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है वो मुर्गा खाने के बाद नरसिम्हा स्वामी के दर्शन करते हैं। उसके बाद कांग्रेस क्यों लगातार हिंदू भावनाओं को आहत करती है, हर किसी को सम्मान नजर से देखना ही समाजवाद है, लेकिन आप मजावाद कर रहे हैं, ये बात बीएस येदुरप्पा ने कही है। अब वहीं दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी जो है वो मेघालय में है, वहां पर भी चुनाव होने जा रहा है। यानी साफ तौर पर जो है वो कर्नाटक की
कि जो लड़ाई है वो बहुत अहम होती जा रही है। वहीं साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने जो है वो इतने 102 डिग्री बुखार के बावजूद कर्नाटक दौरे पर पहुंचे हैं। अमित शाह रात में सांभर चावल और दही खाकर भी सोए हैं। जिस वक्त कर्नाटक वो रवाना हो रहे थे उस वक्त उन्हें काफी तेज बुखार था। उनके डॉक्टर्स के मुताबिक जब बीजेपी अध्यक्ष मंगलुरु के लिए हवाई जहाज पर चढ़ रहे थे उस वक्त उन्हें 102 डिग्री बुखार था, लेकिन उन्होंने अपना दौरा कैंसिल नहीं किया और वो वहां गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कामों को लेकर कितने गंभीर हैं ये बात का अंदाजा लगा सकते हैं। ये उनके कर्नाटक के दौरे को देखकर कहा जा सकता है। कर्नाटक में जल्द होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जमकर प्रचार प्रसार कर रही हैं। बीजेपी की ओर से इस वक्त अमित शाह कर्नाटक में सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अमित शाह कर्नाटक पहुंच रहे हैं, येदुरप्पा राहुल गांधी को बच्चा कह रहे हैं, यानी साफ तौर पर जो है, और चिकन पॉलिटिक्स भी की जा रही है, यानी हिंदू और जो ये जो राजनीति की जा रही है ये भी अपने आप में कई तरफ इशारे कर रही है। बहरहाल चुनाव के मद्देनजर अमित शाह जो है कर्नाटक दौरे पर पहुंच चुके हैं और ये इस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि जानकर आपको हैरानी होगी कि जिस वक्त शाह कर्नाटक रवाना हो रहे थे उनको बहुत तेज बुखार आ रहा था, लेकिन जब वो अमित शाह मंगलुरु पहुंचे वहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। सेहत सही नहीं होने की वजह से शाह ने भाषण देने से परहेज भी किया। शाह वहां से कुक्के सुब्रमण्यम स्थित गेस्ट हाउस गए। वहां हेल्थ ऑफिसर एम आर सुब्रमण्या के नेतृत्व वाले डॉक्टर्स की टीम ने शाह का चेकअप किया और जब रात में वो सांभर चावल और दही खाकर शाह ने पूरी रात आराम किया। जी हाँ, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के लिए कितनी बड़ी साख का सवाल है कि अमित शाह के तेज बुखार होने के बावजूद कर्नाटक में वो जाते हैं और वहां पर हालांकि वो भाषण नहीं दे पाते हैं लेकिन फिर भी वो कर्नाटक का दौरा कैंसिल नहीं कर सकते हैं। और दूसरी तरफ वहीं जो बीजेपी के सीएम उम्मीदवार हैं यही उस बीएस येदुरप्पा वो लगातार राहुल गांधी पर हमले कर रहे हैं और राहुल गांधी को हमने पिछले दिनों देखा था कि वो कर्नाटक के दौरे पर गए थे तो वो दरगाह और मंदिर वाली पॉलिटिक्स कर रहे थे। यानी साफ तौर पर ये तस्वीर बिल्कुल हम कह सकते हैं कि साफ होती जा रही है कि ये बीजेपी वर्सेस राहुल गांधी लड़ाई हो गई है। यानी क्योंकि अब वो बीजेपी हर हालत में कर्नाटक में जीत कर ये साबित करना चाहेगी कि हमारा जो वर्चस्व है, जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। अगर कर्नाटक में राहुल अगर बीजेपी की हार होती है तो 2019 के लोकसभा चुनावों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह है कि राहुल गांधी इस बात को किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि उनको बच्चा कहा गया है। अगर बच्चा गुजरात में, हालांकि राहुल गांधी को लगातार जो है वो हमने सोशल मीडिया पर भी ये देखा है कि वो उनको लगातार ये बातें कही जाती रही हैं, उनको ट्रॉल किया जाता रहा है, लेकिन अब येदुरप्पा ने जो उनको बच्चा कहकर पुकारा है तो ऐसे में अपने आप में ये अलग तरीके की एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या राहुल गांधी अभी भी बच्चे ही हैं, क्या राहुल गांधी अभी राजनीति में इतने परिपक्व नहीं है कि कोई भी उनको कोई कुछ कह देता है। यानी साफ तौर पर इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी इस वक्त फुल मूड में है कि कैसे राहुल गांधी को रोका जाए। हालांकि अगर हम देखें पिछले दिनों से गुजरात के चुनावों से खासकर देखा जाए तो राहुल गांधी के अंदर काफी बदलाव आए हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने आप को बदला है, राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने आप को राजनीति के अनुकूल तैयार किया है, राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने आप को राजनीति के उस हम कह सकते हैं हाशिए से लेके और ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश की है वो वाकई में काबिले तारीफ है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस किस तरीके से काम कर रही है और करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी राहुल गांधी बीजेपी के नजर में एक बच्चे ही हैं। अब ये बच्चा क्या काम करेगा क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल 2019 का चुनाव, लोकसभा चुनाव और खास करके कर्नाटक का ये चुनाव अपने आप में कई हम कह सकते हैं कि राजनीति के कई नए नए एंगल निकल कर आएंगे। अब फिलहाल इंतजार इस बात का है कि राहुल गांधी इस बच्चे का, बच्चे कहे जाने पर क्या जवाब देते हैं और बीजेपी वाकई में क्या राहुल गांधी को बच्चा मानकर क्या कर्नाटक में हल्का चुनाव लड़ेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SPNI News। नमस्कार।